हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आज हम उनको बताएंगे कि कैसे उन्हें एप्लीकेशन लिखना है और एक टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम एप्लीकेशन लिखना बताएंगे। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ दे कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल, यानी इसको पहले आप लोग समझ लीजिए, राइट एन एप्लीकेशन यानी कि एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखना है टू द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य को फॉर प्रॉपर अरेंजमेंट। प्रॉपर का मतलब होता है उचित, वो अरेंजमेंट करें, प्रबंध करें आप ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी का इन योर स्कूल अपने विद्यालय में। तो आप लोग जो है कैसे प्रिंसिपल को प्रधानाचार्य को कैसे पत्र लिखेंगे कि सर आप जो है एक उचित प्रबंध करिए पीने के पानी की, तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में एप्लीकेशन को लिखना है। अब देखिए, आप लोग एप्लीकेशन को लिखना शुरू करेंगे तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे टू, टू के बाद आप लोग कामा लगाएंगे, फिर द प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य, फिर आप लोगों को यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देना है, जो भी आपका विद्यालय है उसको लिख देना है, आपका विद्यालय कहाँ पर स्थित है उसका प्लेस स्थान का नाम लिख देना है। उसके बाद आप इस डेट को चाहे नीचे दे सकते हैं या यहीं पर दे देंगे, तब भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट है कि सब्जेक्ट को लिखें, तो सब्जेक्ट में आप लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि एक प्रबंध करिए, अरेंजमेंट करना है आप सेफ, एकदम सुरक्षित जो है, एकदम भयमुक्त जो है पीने के पानी का। उसके बाद आप लोग नीचे लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर या मैडम, अब जो भी आप लोग लिखना चाहें, रेस्पेक्टेड सर ही लिख सकते हैं या मैडम ही लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर एप्लीकेशन में आप लोगों को नाम दिया है कि इस नाम से आपको एप्लीकेशन लिखना है, तब तो आप यहाँ पर नाम डाल देंगे, अगर नहीं दिया है तो आप यहाँ पर एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे माई नेम इज, अब यहाँ पर जैसे नाम दिया है तो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में जो है यहाँ पर एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं कि मेरा नाम एक्स वाई जेड है एंड और आई एम स्टूडेंट, आई एम मैं हूँ स्टूडेंट विद्यार्थी, आप क्लास, यहाँ पर क्लास अपना डाल दीजिए, आप योर रेप्यूटेड स्कूल, आपके रेप्यूटेड मीन्स हो जाएगा प्रतिष्ठित, स्कूल का मतलब हो जाएगा विद्यालय, यानी आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि मेरा नाम एक्स वाई जेड है, या फिर मेरा नाम जो एप्लीकेशन लिखने के लिए नाम आपको दिया है तो वो डाल देंगे, मैं कक्षा 10 या 12 की स्टूडेंट आपके प्रतिष्ठित विद्यालय या स्कूल में हूँ। इतना लिखने के बाद आप लोग आगे लिखेंगे कि आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टूवर्ड द स्कार्सिटी लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आप लोगों को लिखना है कि आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगा या करूँगी टू ड्रा योर अटेंशन, आपका ध्यान आकर्षित करना टूवर्ड द स्कार्सिटी अभाव की तरफ आप ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी के, मैं पीने के पानी की के अभाव की तरफ जो है आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। द अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और जो अरेंजमेंट है आप ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी का इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में जो पीने के पानी का प्रबंध है, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री, बहुत असंतोषजनक है, अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब हो जाएगा असंतोषजनक, बहुत असंतोषजनक है। द स्टूडेंट्स एंड टीचर, जो स्टूडेंट्स हैं विद्यार्थी हैं और जो अध्यापक हैं आप द स्कूल, स्कूल के आर फेसिंग, वो सामना करते हैं द प्रॉब्लम, समस्या का आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने के पानी के, यानी कि जो विद्यालय के स्टूडेंट हैं और जो अध्यापक हैं वह साफ पीने के पानी की समस्या का बहुत सामना करते हैं। द स्कूल हैज़ ओनली, द स्कूल, स्कूल में ओनली केवल वन टैप, एक नल टूटी है फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी के लिए, स्कूल में पीने के पानी के लिए केवल एक टूटी है, देयर फॉर इसलिए, देयर इज ए ह्यूज क्राउडेड, ह्यूज क्राउड, इसलिए देयर इज ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, क्राउड मीन्स होता है भीड़, इसलिए बहुत भीड़ लग जाती है टू ड्रिंक वाटर, पानी को पीने में बहुत भीड़ लग जाती है, डू टू विच, और जिसके कारण वी हैव टू वेट, हमको इंतज़ार करना पड़ता है हम लोगों को फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक टू ड्रिंक वाटर, पानी को पीने के लिए, जिसके कारण हम लोगों को 10 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता है। आगे देखिए आप लोगों को क्या लिखा, अब आगे आप लोग लाइन को चेंज करके क्या लिखेंगे, लाइन को चेंज करके लिखेंगे देयर फोर, देयर फोर के बाद कामा लगाएंगे, इसलिए वी रिक्वेस्ट, हम प्रार्थना करते हैं यू आपसे टू मेक, कि आप मेक कीजिए, करिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स, यानी कि उचित
अरेंजमेंट को करिए, प्रबंध को करिए फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए। एंड और काइंडली बहुत कृपा होगी कि आप इंस्टॉल कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए 4 और 5 चार या पांच एक्स्ट्रा टाइम्स, यानी कि अतिरिक्त नल टोटी इन स्कूल में, सो दैट ताकि द स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं डू नॉट हैव टू वेट, उनको इंतजार न करना पड़े फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के लिए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा फॉर दिस प्रॉपर वर्क, इस उचित कार्य के लिए आप योर्स आपके विकास, क्योंकि इट इज ए मैटर, यह एक मैटर है आप हेल्थ स्वास्थ्य का, हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य, क्योंकि एक यह स्वास्थ्य का मैटर है आप द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ यू विल डेफिनेटली, आप निश्चित रूप से निश्चित रूप से डू दिस, ऐसा करेंगे। आप लोगों को बस इतना लिखना है, उसके बाद आप लोग ऊपर डेट अगर दिए हैं तो यहाँ पर आप लोगों को डेट नहीं देना है, अगर नहीं दिए हैं तो आप लोग यहाँ पर थैंकिंग यू लिख के उसके बाद आप लोग डेट लिख दीजिए, और इस चीज़ को आप लोग उठाकर इधर कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को लिखना है योर ओबीडियंटली, उसके बाद नेम तो आप लोगों को अगर दिया है पेपर में तो नेम अपना लिख दीजिए, अगर नहीं दिया है तो एक्स वाई जेड करिए, क्लास जो ऊपर लिखे हैं उसको क्लास को लिख दीजिए, रोल नंबर आप चाहें तो लिख दें और न चाहें तो न लिखें। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप लोग अप्लीकेशन को लिखेंगे तो आप लोगों को जो एग्जामिनर होगा वो पूर्ण नंबर देगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरी टॉपिक को लेकर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।